नमस्ते, किचन के किंग्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ बन रहा है कुछ मीठा। मीठे में हम बना रहे हैं सेवइयाँ। आप इन्हें सेवइयों की खीर या फिर सेवइयाँ भी बोलते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेवइयाँ जो हम होटल्स में या फिर शादियों और पार्टियों में खाते हैं, वैसी सेवइयाँ हमसे घर पर नहीं बनती हैं। तो आज हम बिल्कुल वैसे ही सेवइयाँ बनाएंगे। आप चाहें तो इसे ठंडा करके खाएं या फिर आप इसे गर्मा गर्म खाएं। जैसी भी आपको पसंद हो आप वैसे इसे खाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी सेवइयाँ कैसी बनी हैं। एक दो ट्रिक्स होती हैं इसको बनाने के लिए, बस आप उन्हें फॉलो कीजिएगा वीडियो को देखकर और आपकी सेवइयाँ बिल्कुल वैसी ही रेडी होंगी जैसी आपने होटल में खाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेवइयाँ लेनी हैं जो कि पतली होंगी और वाइट कलर की होती हैं या फिर जो ब्राउन कलर की होती है वो आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर की ली है। तो ट्रिक यहाँ पर ये होती है कि आपको सेवइयाँ बनाने से पहले एक चम्मच घी, आपको ज़्यादा घी भी नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा घी हम लेंगे। एक चम्मच घी का हम लेंगे, उसे करेंगे हम गर्म और उसमें हम सेवइयों को भून लेंगे। ये होती है पहली ट्रिक जिससे कि सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी और ज़्यादा दूध में नहीं घुलती हैं। कई बार क्या होता है कि हम बिना उसे घी में भूने डायरेक्ट हम उसे दूध में डाल देते हैं जिससे सेवइयाँ बिल्कुल दूध में घुल जाती हैं और जब सेवइयाँ बनती हैं तो हमें दूध में दिखती ही नहीं है कि सेवइयाँ कहाँ गई। तो आप ये ट्रिक उसमें लगाएं, मतलब कि आप उसे घी में भून लें और उसके बाद उसमें आप दूध डालें। अब दूध डालने के लिए भी आपको होल जो क्रीम वाला दूध होता है वो लें, यानी कि आप बिना मलाई उतारे वो वाला दूध लें तो उससे सेवइयाँ बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। जैसे हम घरों में दूध यूज़ करते हैं, हम लोग उसके गर्म करते हैं दूध को और उसकी मलाई निकाल लेते हैं, तो अगर हम उस दूध की सेवइयाँ बनाएंगे तो वो इतनी टेस्टी नहीं बनेंगी। अगर आप वो वाला दूध यूज़ कर रहे हैं जो कि बिना मलाई का है, तो आप उसमें थोड़ा सा मावा या फिर मिल्क पाउडर डाल लें तो उससे भी सेवइयाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। अब हम सेवइयों को लगातार चलाएंगे और जैसे ही उबाल आएगा आप फ्लेम को लो कर दें और इसे पकाएं। पकाने के लिए आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आप लो फ्लेम पे इसे बनाएं और बार बार चलाते हुए बनाएं, इससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सेवइयाँ उबल रही हैं। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको 10 मिनट ही लगेंगे। अब अगली ट्रिक इसमें ये है कि आप जब चीनी डालें तो चीनी डालने से पहले आप इसे एकदम अच्छे से पका लें, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है और फिर उससे जो सेवइयाँ होती है ना तो उसमें टेस्ट पानी का आता है। तो हम जब चीनी डालेंगे तो आप चीनी डालकर भी सेवइयों को 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लें। ये देखिए सेवइयाँ एकदम अच्छे से पक चुकी हैं। आप साइड में देखिए जो घी हमने डाला था वो ऊपर आ गया है, तो ये निशानी होती है कि सेवइयाँ 90-95% पक चुकी हैं। जैसे ही सेवइयाँ इसे पक जाएं तो उसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच, जो बड़े चम्मच हैं मैंने वो डाले हैं। अब यहाँ पर दूध मैंने आधा लीटर लिया था और सेवइयाँ मैंने एक कटोरी पूरी भर के ली थी। इससे 4 से 5 जनों की सर्विंग, यानी कि एक बड़ा बाउल भर के अगर आप 4 जनों को देंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्व हो जाएगा। वैसे आप अपनी फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से इसे बना लें। तो ये देखिए चीनी डालकर मैंने एकदम अच्छे से उसे पका लिया है। चीनी को आप कोई भी मीठा बनाएं तो आप उसमें डालकर उसे अच्छे से पका लें। अगर हम चीनी को नहीं पकाएंगे तो जब हम इसे खाते हैं तो बीच में आपको पानी का टेस्ट आएगा। तो लीजिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी हमारी सेवइयों की खीर या फिर सेवइयाँ रेडी हैं। ऊपर से आप डालें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के बिना तो सेवइयों का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। बस अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ठंडा खाना पसंद हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें और 1 घंटे के बाद आप इसे सर्व कर लें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।